जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सभी लोग मायके से आ गए थे और यहाँ पर हमारी भतीजी प्राची हमारा मेकअप कर रही। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि आपकी बुआ को, दीदी को मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, थोड़ी बहुत अपने काम चलाओ कर लेते हैं, जैसे कि लिपस्टिक लगा लिए, बिंदी लगा लिए, नॉर्मल काजल लगा लिए, और इस तरह करके मेकअप हमको बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारी भतीजी ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया, हमको ना इतनी हंसी आ रही थी, हमने कहा कई मिनट तक आंख बंद करके रखना है, बोली बुआ 5 मिनट तक आंख बंद किए रहे। प्राची ने हमको सूरदास बना दिया। प्राची, कितने समय तक बंद करके रखना है आंख? 2-4 मिनट। अच्छा ठीक, ये वाला ऊपर लग जाएगा। अच्छा अच्छा, यार बताइए, तो फोन नहीं उठा रही है। प्राची ना सबका मेकअप कर देंगी, इसके बाद ही प्राची रेडी होगी। यहाँ सभी लोग लाइन से लगे हुए हैं काजल लगाने के लिए, प्राची बैठी हुई है। सभी लोग बैठते जाओ। विनीत का बहू, आप नहीं लगवाएंगी क्या? रानी का। सो गाइज, हमारा मेकअप हो गया है। हमारा मेकअप कैसे लग रहा है हमारी बहनें, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा हम मेकअप वैसे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आज प्राची ने थोड़ी से सही से मेकअप हमारा कर दिया है। और अभी ना प्राची उदयन को थोड़ी बहुत नाश्ता भी करा रही हैं। और प्राची आज इतना उदास है, क्यों उदास है बताएं? जिस कार में ये आई ना, उस कार में इसका बैग नहीं रखा था। जिस कार में शालिनी बहू और सपना बहू आए, उस कार में इसका बैग रखा है। दूसरे कपड़े नहीं डालो, उनको देख देख करके मटक रही है। तो यहाँ पर सबको देने के लिए ना लड्डू है, पैक हो रहे हैं, और हम सोनपरी को लेकर के अब चल रहे हैं नीचे, क्योंकि सभी लोग नीचे आ गए हैं, जैसे कि रुचि के ससुराल से है, और जो लोकल यहाँ रुचि के यहाँ ससुराल के रहते हैं, सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर आंचल बहू ना इनके लगा रही काजल, और देखिए सोनपरी हमारी कैसे देख रही है। हमने कहा काजल लगा दो, नहीं इसके नज़र न लग जाए। तो ये बहुत ही प्यारी है, और यहाँ पर सभी लोग अभी रेडी हो रहे हैं, और इसके बाद हम लोग बस पहुंचने वाले हैं नीचे। तो आप लोगों को ना सबसे मिलवा रहे हैं। अभी हमारी बहन भी आने वाली है, यानी सरोज। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट किया था कि रानी नहीं आई, तो हाँ जी, रानी नहीं आ पाई थी उतनी समय, क्योंकि उसके यहाँ ना दादाजी भगवान जी को प्यारे हो गए थे, तो वो गांव निकल गई थी। अब देखिए, रात में हो सकता है कि रानी आ जाए, तो अगले ब्लॉक में आप लोगों को रानी से मिलवा सकते हैं। अब हम आ गए हैं नीचे, और देखिए नीचे यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, और सबका नाश्ता भी शुरू हो गया। नाश्ते में काफ़ी आइटम था, और होता है ना, नाश्ता अगर कर लो तो फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। और इस समय तो सब कोई, हमारी बहन सरोज आ गई हैं, सबके गले लग रही हैं। और एक बार आप लोगों ने हमारे ब्लॉक में देखा होगा, और ये भी यहीं लखनऊ में पास में ही रहती है, लेकिन छोटे बच्चे ना इसलिए जल्दी निकल नहीं पाती है। तो यहाँ सबसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। मुझे कान था, इसलिए यहाँ की आवाज़ें आप लोगों को नहीं सुना रहे हैं, और काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, लेकिन हम अपना म्यूज़िक यहाँ डाल रहे हैं, आप लोग भी फुल इंजॉय करिए। रुचि की ननिहाल की फैमिली, यानी हमारी मायके की फैमिली, और रुचि के ससुराल की फैमिली, सभी लोग आ गए हैं। और तो हमारे भतीज लोग भी, सभी लोग आ गए हैं अभी ना, आप लोगों को सबसे मिलवा रहे हैं। वैसे तो आप लोग हमारे मायके की फैमिली को सबको पहचानते हैं। ये देखिए, सब लोगों का बाहर ना नाश्ता चल रहा है, और बस केक कटने ही वाला है। सो गाइस, जो सामने बैठे हुए हैं ना, ये हमारे सरोज के हस्बैंड हैं, इधर बैठे हुए हैं, और आप मयंक भैया को तो अच्छे से जानते ही हैं, और ये इधर बैठे हुए हैं बिट्टू के भैया। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, बस केक का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। कॉलोनी के भी लोग, काफ़ी लोग आ गए हैं, और यहाँ पर मीना, सभी लोग यानी नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करिए नाश्ता। और हम भी सरोज से मिलकर के बहुत खुशी हो रही, क्योंकि ये जल्दी मिलती नहीं है, और जब मिलती है ना तो बहुत खुशी होती। लेकिन हम लोग ना रानी को अभी बहुत याद कर रहे थे, और रानी बस आने ही वाली है, बोल रही है, इनकी सासू माँ बोली हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर नहीं जा सकते हो, बट आ सकते हो यहाँ बाहर। तो बस रानी कोशिश कर रही है कि दीदी चलिए आती हूँ, बच्चे आ जाएँ। अभी वो बच्चे गए थे कोचिंग, यानी परी रुद्रांश, तो उनको ले करके ही आती है। और इस तरह में ना तो वैसे घर से नहीं जाया जाता, लेकिन सब ने रानी को मजबूर कर लिया, इसलिए वो भी प्रयास कर रही है। आप लोग भी बर्थडे पार्टी का फुल एंजॉय करिए, और अद्दू को आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पर रुचि और हमारे शीलू भैया कितने प्यारे लग रहे हैं, यानी दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तो आगे हम म्यूज़िक लगा देते हैं, आप लोग फुल एंजॉय करिए। छोड़ी चली ते मुझके यार, आके मैं तुम्हारे यार का
चारों देवियों से मिली है, यानी विनीत का बहू, आंचल बहू, सपना बहू, सालनी बहू और आप लोगों से भी गाइस जय माता दी बोल रही हैं। और बस पार्टी शुरू होने वाली है तो आप लोग भी आइए, कितनी बार आप लोगों को बुलाएंगे। और जब मायकी फैमिली आ जाती ना तो कितना अच्छा लगता है। बिटे देर आप लोगों ने देखा कि अद्दू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला और बारी बारी से सभी लोगों ने टीका भी लगाया, केक भी खिलाया। इसके बाद अब सब लोग करने जा रहे हैं, यानी नाश्ता, नाश्ते में है चाउमीन है, टिक्की है, बहुत सारा आइटम है। तो यहाँ पर सब बारी बारी से जा रहे हैं। और आज की पार्टी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी बहन सरोज की लड़की ना बहुत ही अच्छा डांस करती हो, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि चलो बेटा थोड़ी सी कर दो। और यहाँ पर मनु देखिए कैसे नाश्ते की पार्टी यानी चल रही है, और सभी बहुएं भी थोड़ी थोड़ी अपना नाश्ता ले रही हैं। और इन लोगों की ना तैयारी भी है, लेकिन अभी दीदी नहीं जाने देंगी। अगले ब्लॉग में आप लोगों को और भी कुछ देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए थोड़ी थोड़ी डालना पड़ता है। और अगर पूरा डाल देंगे ना तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी गिफ्ट भी मिल रहा है अद्दू को, और सभी लोग प्यार से दे भी रहे हैं।
बारी बारी से ना सब लोग हम लोग फोटो भी क्लिक करवा रहे थे और लोगों के साथ ना फुल पार्टी हम लोगों ने अच्छे से मनाया है। और इस बार ना हमारी भाभी लोग नहीं आ पाई थी, वही भाभी लोगों को भी याद कर रहे हैं क्योंकि हमारी भाभी लोग भी सभी लोग बहुत ही अच्छी हैं। और बस सब बहुओं को लेकर के हम जाने वाले हैं, लोगों को करवाते हैं नाश्ता। थोड़ी बहुत तो नाश्ते इन्होंने कर लिया था लेकिन फिर भी सबको भूख लगी क्योंकि पूरा दिन का सफ़र करके लोग आई थी। तो यहाँ पर टिक्की है, गोलगप्पे हैं, चाउमीन है, तो नाश्ते में यही होता है सब कुछ और खाने में भी काफ़ी आइटम है। लेकिन हमारे यहाँ ना सब पहले नाश्ता कर लेती, खाना फिर कोई नहीं खाता है। और हमको भी दीदी ज़बरदस्ती कह रही कि नहीं शोभा खाना है। और इतनी प्लेटें हमारी तरफ से है, यानी 35-40 प्लेट ना दीदी ने अपनी तरफ से करवाया था कि जितने भी मायके की फैमिली आएगी, जैसे कि मामी हैं, मामा हैं और मौसी मौसा हैं, तो उन लोगों के लिए ना दीदी की तरफ से रहेगा। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में दीदी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। सच बताएं दीदी हमारी है ही इतनी सुंदर, वैसे भी सुंदर हैं, खूबसूरत तो है ही हैं और दिल से भी बहुत सुंदर है हमारी दीदी। तो पहले हम बहुओं को करा देते हैं नाश्ता, इसके बाद थोड़ी बहुत नाश्ता हम बाद में आराम से करेंगे। Bye.